नहीं मिलती, राही को मंजिल एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाए आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है। A very pleasant morning to one and all present here. I am Manisha Asnani from MBA 3rd SEM welcomes you all. I welcome all the faculty members of our VIMR family, students and our guest Mr. Naresh Goyal sir, Managing Director of Ramabai, and our chairman sir, Mr. Sunil Sinani sir, VIMS Principal KP Tripathi sir, VIMR Principal Dr. Preeti Divedi ma'am. Today we all are gathered here for ED Talk, that is Entrepreneurship Development Talk. The entrepreneur always searches for change, responds to it and exploits it as an opportunity. Entrepreneurship Development Cell is a place where we guide, motivate and help the students to be an entrepreneur. The main objective of ED Cell is to transform students from job seekers to job creators. To achieve this objective, the ED Cell of the college conducts various awareness programs such as seminars, workshop, industrial visit and interaction with young entrepreneurs. मैंने recently एक book पढ़ी थी जिसका title था Who Will Cry When You Die by Robin S. Sharma. उसमें 101 chapters थे जिसमें से एक chapter का name था Take More Risk. इस Take More Risk को मैं relate कर पा रही थी एक entrepreneur से, कनेक्ट कर पा रही थी मैं एक entrepreneur से. So उसमें दो बहुत अच्छी lines थी, The more risk you take, the more rewards you will receive. I repeat, the more risk you take, the more rewards you will receive. And failure is nothing more than learning how to win. I think entrepreneurship is all about taking risk, taking initiative, facing failures and fighting your fears. एक entrepreneur में वो एक जज्बा होता है कि हाँ हमें हमारे जो भी फेलियर्स आ रहे हैं उसको ओवरकम करना है और एक सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ना है। नाउ फॉर इंट्रोड्यूसिंग आवर गेस्ट मिस्टर नरेश गोयल सर, आई वुड लाइक टू इनवाइट द सोल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, आवर चेयरमैन सर मिस्टर सुनील सिनानी सर, अप ऑन दी स्टेज। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। मनीषा ने बताई दिया तुम सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हो। देयर इज गोइंग टू बी अ टॉक ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। आज मनीषा से लेके डीएम से लेके पीएम तक सब क्या चाह रहे हैं, जो उसने बताया कि कंट्री नीड्स जॉब क्रिएटर्स रादर देन जॉब। जैसा कि हिस्ट्री में हमेशा रहा है, देयर विल ऑलवेज बी ए फार मोर नंबर ऑफ पीपल हु विल सीक जॉब देन द नंबर ऑफ पीपल हु विल एम्प्लॉय। एंटरप्रेन्योर बनना तो सब चाहते हैं लेकिन बहुत कम बन पाते हैं, ये बात मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ। और यहाँ बैठे किसी व्यक्ति को नहीं पता कि इनमें से कौन एंटरप्रेन्योर बनेगा, उसको भी नहीं पता और बाकियों को भी नहीं पता, उसके पड़ोसियों को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपके टीचर्स को भी नहीं पता है। एंटरप्रेन्योर बनना भी एक प्रश्न है, उसके अलावा भी प्रश्न है जो तुम सब लोगों के बीच में बहुत ज्यादा है कि हमें करना क्या चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, मार्केटिंग में जाना चाहिए, मल्टीनेशनल में जाना चाहिए, पीएसयू में जाना चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। इट्स ए मिलियन डॉलर क्वेश्चन विच एवरी चाइल्ड इज एनकाउंटरिंग टुडे एंड एवरी टाइम इट हैज एनकाउंटर्ड, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो खासकर। अब इसका जवाब कैसे ढूंढना है? इसके जवाब को ढूंढने के लिए जो समय आप यहां बिताने वाले हैं अगला 1.5 घंटा, और उसके अलावा भी मेरा कहना है, एजुकेशन में नॉलेज हम या तो किताब पढ़ के लेते हैं या सुन के लेते हैं, am I right? तो एक होता है बेटा हियरिंग और एक होता है लिसनिंग। पहले तो इन दोनों का फर्क समझो। जब हम सिर्फ सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा हमारे भीतर घुसता नहीं है। When we listen, listen को हिंदी में अगर अपन ट्रांसलेट करें तो लिसनिंग इज हियरिंग एंड ट्राइंग टू एक्सपीरियंस दैट। सामने वाला क्या बोल रहा है, उसका भाव क्या है, कौन सी ऐसी चीज कम्युनिकेट कर रहा है जो शब्दों के माध्यम से नहीं आ रही है,
और सुनने के बाद उस पर मनन करना, उस पर कंटेम्पलेट करना, उसकी एनालिसिस करना विद इन योर सेल्फ, ये सीखने का बड़ा अच्छा तरीका होता है। नॉर्मली हम लोग क्या है, सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसको अंदर नहीं ले आते, आत्मसात नहीं करते, उससे रिलेट नहीं कर पाते, उस पर मनन नहीं करते, उसकी एनालिसिस नहीं करते, हमारे ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, व्हाट इट मींस टू मी, इस स्टेज तक नहीं जाते। और जब आप सुने, एंटरप्रेन्योर को हम क्या बुला, क्यों बुला रहे हैं हम, जैसे मनीषा ने आपको बताया, आपकी किताब में भी लिखा है, हम भी बता सकते हैं, एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर होता है, एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव होता है, एंटरप्रेन्योर वो काम करता है जो सारी दुनिया नहीं करती सफलता से, ये सब थ्योरेटिकल टॉक है। जब एक रियल लाइफ का बंदा आपके सामने खड़े होके अपनी जर्नी बताता है, तब मेरा कहना है कि आप हियरिंग की बजाय गो इन द लिसन मोड, इतना ध्यान से उसको सुनो कि सुनते सुनते पता नहीं कब कौन सी उसकी बात आपके अंदर कोई घंटी बजा देगी, आपके अंदर कोई बत्ती जला देगी। और दुनिया का बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा अचीवर के अंदर ये जो बत्ती जली है ना, घंटी जली है, वो इसी तरह जली है। When that person was either reading something or he was contemplating or he was listening, और जैसे ही वो बत्ती या घंटी जलती है, उसके बाद फिर आगे की जर्नी अपने आप शुरू हो जाती है। तो आपको ये डिस्कवर करना है कि सुनते सुनते कहां किसके अंदर कोई चीज रेजोनेट कर गया, आज के लेक्चर में भी और अदरवाइज ऑल्सो, जब भी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इनको सुन रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, अपने टीचर को सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, अपने अंदर झांको यार कि कौन सी चीज है जो कुछ एक्साइटमेंट पैदा कर रही है, जो रेजोनेट कर रही है, जो अच्छा फील करा रही है, जो सोचने के लिए मजबूर कर रही है, वो दैट इज एन इंडिकेटर, दैट इज ए पॉइंटर कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो आपको किस डायरेक्शन में जाना है ये किसी और से नहीं पूछना, किससे पूछना है, खुद से। खुद से कैसे पता चलेगा, जब घंटी बजेगी। अब घंटी सुनने के लिए ध्यान लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? तो माय एडवाइस इज कि फॉर नेक्स्ट 1.5 आवर और 1 आवर जितना भी समय आप नरेश जी को सुनिए, तो बहुत ध्यान से सुनिए और शब्दों के साथ साथ उसके गहराई तक जाने का प्रयास करिए और देखिए कि किसके अंदर अंदर क्या क्या घंटी बजती है। ठीक है, अब उस काम को लिए जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। तो एक जो एंटरप्रेन्योर का इंट्रोडक्शन देने के पहले मैं एक और इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, छोटा सा, क्योंकि आप लोगों को ये पता नहीं होगा, क्योंकि ये हार्डली विजिट अवर इंस्टीट्यूशन एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर सीइंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके पहले नहीं देखा ना इस कैंपस में? तो बेटा जैसे पिक्चर होती ना, पिक्चर, तो पिक्चर में हम लोग स्क्रीन में नॉर्मली क्या देखते हैं, हीरो हीरोइन को देखते हैं, लेकिन पिक्चर बनाई किसने है, प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, नॉर्मली नाइदर वी आर अवेयर ऑफ इट, ना पिक्चर में उनको दिखाते हैं, नाम वाम आ जाता है, वो भी कोई नहीं पढ़ता है। तो ये जिस ऑडिटोरियम में आप बैठे हैं, जिस कॉलेज के, इसको बनाने वाला जो ट्रस्ट है, इसकी जब कल्पना हुई थी, जब ये ड्राइंग रूम में था, जैसे एंटरप्रेन्योर भी पहले कल्पना करता है ना, तो इसको बनाने के पहले जब ये दिमाग में आया कि इसको बनाना है, तब से मिस्टर नरेश गोयल इज इन्वॉल्व इन इट। One of the founder trustees. तो सामने आप 20 साल से मुझे देख रहे हैं, आपके सीनियर लोगों ने मुझे देखा है, आप अपने टीचर्स और प्रिंसिपल्स को देखते हैं, they are interacting with you in person. But there are people like Mr. Naresh Goyal जो पीछे से इस पूरे एंडीवर को, ये जो पूरा संस्थान चल रहा है, जिसमें आपके आपसे सीनियर हजारों बच्चे निकल के आज देश विदेश में काम कर रहे हैं, उनमें इनका बहुत बड़ा रोल है, बट यू कांट सी देम ऑन द स्क्रीन और ऑन द स्टेज। दूसरा, एज ए एंटरप्रेन्योर, तो आई वुड, एज आई सेड अर्लियर, कि आप उनकी जर्नी उन्हीं से सुनिए, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। बस छोटे छोटे 3-4 माइलस्टोन्स में आपको बताऊंगा, सो दैट यू बिकम मोर क्यूरियस एंड बिकम मोर अटेंटिव। हम एक ही क्लास में पढ़े हैं, एक ही स्कूल में पढ़े हैं, तो इसलिए मुझे बहुत लंबी जर्नी हमारी साथ में रही है, वी आर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑल्सो, बहुत ही मेरे अजीज दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। व्हेन वी वर इन स्कूल, तो सुन लो भैया, ये किराए के मकान में रहते थे और इनके पिताजी का एक लकड़ी का टाल था, वो भी किराए की जमीन में था। तो दिस इज द
स्टार्टिंग जर्नी का एक डेटा पॉइंट मैं आपको जो दे रहा हूं वो था, फिर पढ़ाई में बहुत होशियार थे तो इनका एडमिशन हो गया GSITS में। सुना है ना GSITS का नाम, जो मध्य प्रदेश का बहुत पुराना और सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है इंदौर में। तो फर्स्ट ईयर बस वहां पढ़ाई की, फिर पिताजी ने बोला अरे पढ़ाई वढ़ाई बेकार है, वापस आओ यार धंधा करो, बिजनेस में बैठो, मेरी मदद करो। तो ही फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज फादर एंड ही केम बैक, ही लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर GSITS कॉलेज, इफ आई एम करेक्ट, फर्स्ट ईयर या एक सेमेस्टर बाद या डेढ़ सेमेस्टर बाद, और आके अपने फादर की बिजनेस में मदद करने लगे। इसके बाद तो यही आपकी इसी APS यूनिवर्सिटी से ही डिड हिज BCom, एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली ही टॉप्ड इट ऑल्सो द यूनिवर्सिटी। और उसके बाद फिर इनकी जर्नी शुरू हुई उस लकड़ी के कारोबार से, ट्रेडिंग करते हुए, फिर उसके बाद आयरन की ट्रेडिंग चालू की। और ये पूरी जर्नी तो आपको बताएंगे, आज बता दें आपको कहाँ खड़े हैं वो। आज इनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री रुद्रपुर में है, एक फैक्ट्री सतना में है। जब अपन नागौर जाते हैं पन्ना तो राइट हैंड साइड में आप देखते हो कि ड्रामा है ना, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आपको दिखती है, वो है रायपुर में है। बहुत बड़ा कारोबार है पूरे हिंदुस्तान में, इनके डीलर हैं, इनका प्रोडक्ट चलता है अपने ब्रांड के साथ, वो प्रोडक्ट चलता है, हजारों लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, सैकड़ों करोड़ का टर्नओवर और प्रॉफिट है। ये सब इतना मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट दिस इज हाउ दिस होल जर्नी हैज हैपेंड। और इन सब के पीछे एक रियल एंटरप्रेन्योर है। जब इनकी रुद्रपुर की फैक्ट्री का उद्घाटन हो रहा था तो मुझे याद है वहां पर भी मुझे बुलाया गया था दो शब्द बोलने के लिए, तो मैंने एक ही चीज कही थी जो मैं आप लोगों को बेटा बता रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट टॉट एनीवेयर, दे डोंट टीच यू हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर इवन एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। दुनिया के किसी भी कॉलेज ने आज तक एंटरप्रेन्योर पर से भी कोई डिग्री नहीं अवार्ड की है। कहीं कहीं ऐसे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है और कहीं कहीं इसके बारे में कुछ लोग डिस्कशन करते हैं। एक अमेरिका का कॉलेज, आई एम फॉरगेटिंग व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कॉलेज, वो क्लेम करता है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप, बट वो भी MBA ही देता है, तब फोकस इज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर कहाँ बनाना है ये कोई आपको सिखा नहीं सकता, इसका तरीका वही है, आप ऐसे लोगों से सीखिए, ऐसे लोगों से रिलेट करने का प्रयास कीजिए कि कब इनके जीवन में क्या हुआ, क्या इंस्पिरेशन आई, क्या एक हंगर क्रिएट हुई और कैसे उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस क्रिएट की। सो माय टाइम इज ओवर नाउ, हिज टाइम हैज टू स्टार्ट एंड ऑल ऑफ यू लिसन टू हिम अटेंटिवली, देयर विल बी अ क्यू एट द एंड, किसी के मन में अगर कोई क्वेश्चन आंसर तो वो भी बाद में आप इनसे कर सकते हैं। And try to enter into his life as he talks. When he answers to you, इनके जीवन को अनुभव करने का प्रयास करना, उससे आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगा। Thank you. Very good morning. जैसा सर ने बताया तो एक चीज तो क्लियर है, जो सर से भी सुना और लोगों का भी सुना कि कहीं ना कहीं सर शुरुआत जो है वो बहुत लो लेवल से हुई है। तो सर शुरू में चीज़ें करना चाहूँगा कि बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता और स्कूलिंग वगैरह के बारे में आपके बच्चों को अगर आप बता सकें तो। मेरा बर्थ 1963 में भिवानी हरियाणा में हुआ। मेरे फादर 1968 में यहाँ सपना आ गए बिजनेस के लिए, और उसके बाद में हम लोग ने शिफ्ट, हम लोग पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हुए 69 और क्लास फर्स्ट से सिंधु विद्या मंदिर में हमारी एजुकेशन स्टार्ट हुई। और इसके बाद में क्लास 9 से मैं सरस्वती स्कूल, क्लास 10th में आई गॉट एडमिशन इन सरस्वती स्कूल, और 10th एंड 11th मैंने सरस्वती स्कूल से किया। Then I got the admission in SGSITS and first year मैंने वहाँ से किया, और उसके बाद एक साल के बाद ड्रॉप आउट लिया फर्स्ट ईयर क्लियर करने के बाद। एंड देन आई डिड बिजनेस के साथ साथ मैंने BCom किया, और मेरी BCom ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ, लेकिन वो बस लास्ट में एग्जाम के समय पढ़ाई बुक लेते थे और पढ़ते थे। जो दूसरा आपने प्रश्न पूछा कि आपका बचपन कैसे बीता, तो असली मायने में तो मैं कहूँगा कि मैंने
मुझको लगता है कि जो एक रियल में जो बचपन होता है वो मैंने नहीं किया। आपको मैं बताऊंगी कि जब मैं क्लास फोर्थ में था और मैं कहा से 11-12 साल की एज होगी, तो मेरे पापा जब भी बाहर जाते थे तो मेरे को स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी, और मैं उनकी एब्सेंस में वो टाल जो थी लकड़ी की टाल वो संभालता था। जब भी हॉलीडेज होती थी या संडे होता था तो मैं टाल जाता था, लकड़ी का जो टिम्बर का हमारा व्यवसाय था, और वो पापा मेरे को असाइन किया करते थे जब मैं छुट्टी के दिन जाता था कि आज ये बही खाता लिखो, आज ये पूरे टोटल लगाओ, आज ये कोई ग्राहक आता है तो उसको अटेंड करो। तो छोटे छोटे काम वो जब भी मैं जाता था वो मेरे को देते थे, तो मैं छुट्टियों को बहुत कम मतलब इन्जॉय करता था। मैं इंजॉय मतलब वहाँ पर जाता था धीरे धीरे, फिर मेरे को मैं भागने लगा, पापा फिर मेरे को कुछ कोर्स भी करने लगे, लेकिन मेरी बचपन ज़्यादातर पढ़ने में और साथ साथ में बिजनेस करने में। अच्छा, तो सर आपने शुरू से ही चूंकि अपने घर का बिजनेस था तो यू नेवर थॉट अबाउट बीइंग इनटू अ जॉब? मेरे ख्याल से मेरे कभी जहन में भी नहीं आया कि मेरे को जॉब करना है, और चूंकि बिजनेस क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे तो इस शुरू से था कि हमको बिजनेस ही करना है। तो सर फादर ने जो अपना बिजनेस था वो तो आप चला ही रहे थे मतलब, बट मैं ये जानना चाहता हूँ, बच्चे ये जानना चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से आई, मतलब कैसे जो बिजनेस ऑलरेडी था वो तो चल ही रहा था, व्हेन डिड यू थॉट कि आपको एक कदम आगे जाना है, एक बड़ा कदम आगे लेना है जो आपको इस बिजनेस से और आगे खड़ा कर सकता है? जब मैं मेरे को क्लास 12th में मैं इसमें ये बताऊं कि क्लास ये मेरे ख्याल से धीरे 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 क्लास 9 जब मैं वहाँ से वापस लौटा जीएसटी से फर्स्ट ईयर करके, और जब मैं बिजनेस में फुल फ्लेज एंटर हुआ तो मेरे को काम में मज़ा आने लगा, एंड वो मज़ा इतना आता था कि न मेरे को रात का पता चलता था न मेरे को दिन का पता चलता था। और मैं मेरी ख्याल से मेरी उस समय जो वर्किंग थी नॉट लेस देन 14 आवर्स की थी, 14 घंटे की मेरी वर्किंग रहती थी, और मतलब एक जुनून था मतलब काम करने का, और वही पैशन जो काम करने का जुनून था, और उसमें ये जुनून था साथ साथ में कि मैं कैसे ग्रो करूं, पैसे कैसे पैसा कमाऊं, एंड कुछ मेरे इंस्पिरेशन थे जैसे मेरे मामा जी थे, ही वॉज वेरी रिच पर्सन, तो जब मैं उनकी लाइफस्टाइल देखता था तो वो लाइफस्टाइल मेरे को काफ़ी इंस्पायर करती थी, और मेरे को लगती थी कि मैं मेरे को भी पैसा कमाना है, एंड आई वांट टू बिकम रिच। तो उसके वो एक मोटिवेशन जो है, वो जो इंस्पिरेशन था वो मेरे को रात दिन ग्रोथ दिखाता था कि हाउ कैन आई ग्रो, वही रात दिन जो मेरे माइंड में चलता रहता था उसी से मैं आगे बढ़ता है, चेंज करने का और बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करता। अच्छा, तो सर ये जो अपना मैं अभी जैसा सर ने बताया कि इनिशियली जो फैमिली बिजनेस था वो ट्रेडिंग का था, तो व्हेन डिड यू थॉट अबाउट एंट्री इनटू मैन्युफैक्चरिंग में आने का, ये शुरुआत कहाँ से हुई? मैं इसमें थोड़ा सा पहले पीछे ले जाता हूँ कि जब मैं 1982 में बिजनेस में फुल फ्लेज एंटर हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे मैंने पहले अपने जो बिजनेस हमारे पापा का करने का तरीका था वो कुछ एक कन्वेंशनल टाइप का था,
को मैंने नहीं देखा। आते ही मैंने सबसे पहले काम किया अपना बिजनेस डेवलपमेंट करना, नए नए कस्टमर को उसमें एंट्री करना। तो सबसे पहले उस समय मैयर सीमेंट लग रही थी, तो मैयर सीमेंट में मैंने सबसे पहले वहाँ पे एक एंट्री ली। उसके बाद में 1984 में जेपी सीमेंट का काम चालू हुआ और जेपी सीमेंट में मैं वहाँ पे काफी स्ट्रगल करके उसमें मैंने उस कस्टमर को बनाया। तो मेरा मैं मतलब ट्रेडिंग में बहुत अच्छा काम चलता है, मतलब उसके बाद में चालू हो गया था एंड आई वाज इन द पीक। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मेरे मन में हमेशा ये रहा कि मेरे को आई एम नॉट मेरे को किक नहीं मिल रही है ट्रेडिंग से। ऑल दो देर वॉज अ गुड प्रॉफिट बट मेरे को किक नहीं मिल रही थी, आई वॉज नॉट गेटिंग अ जॉब सेटिस्फैक्शन। और हमेशा मैं इंडस्ट्री एक फैक्ट्री लगाने के लिए इंडस्ट्री लगाने के लिए मेरे मन में शुरू से काफ़ी तीव्र इच्छा थी। तो जब 94 या 95 की बात है उस समय मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को मेरा छोटा भाई संजय है वो पढ़ के वापस आ गया, तो तब तक वो स्टील बिजनेस काफ़ी स्टेब्लिश हो गया था, वो स्टील का बिजनेस मैंने उसको संभाला और मेरे को लगा कि अब मेरे को इंडस्ट्री लगे। और उसके बाद में सबसे पहले हमने स्टील बिजनेस स्टील फर्नेस को लगाने की सोची कि स्टील फर्नेस लगाएंगे, उसके लिए जमीन भी ले ली, प्लांट का ऑर्डर भी कर दिया। बाद में ये समझ में आया कि नहीं, वो बिजनेस में जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आज के दिन अगर हमने उसमें एक्साइज की चोरी और बिजली की चोरी वो अगर नहीं करेंगे तो वो बिजनेस में वायबिलिटी नहीं आएगी। तो जैसे ही मेरे को ये समझ में आया तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया एंड देन फिर मैंने प्लाईवुड बिजनेस को आइडेंटिफाई किया और प्लाईवुड बिजनेस को उस पर काम चालू किया और 98 में मैंने उस पर प्रोडक्शन चालू किया। तो सर ये जो जैसा कि हम इतने सालों से सुनते आए हैं देखते आए हैं कि बिजनेस की राह आसान नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस बहुत सारे बैरियर्स आपको फेस करने पड़ते हैं, तो आपकी जर्नी में वो कौन से चैलेंजेस थे, वो कौन से बैरियर्स थे जो लगातार आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे और जिनके लिए आप प्रतिबद्ध थे कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इनको तोड़कर आगे बढ़ना है? मेरे को तो लगता है कि मेरी अगर एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में देखा जाए तो रोज चैलेंजेस आते हैं, रोज प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन जब तक हम उसको एज ए चैलेंज लेते रहते हैं तब तक तो मजा आता है। जिस दिन हम उसको प्रॉब्लम समझने लगते हैं उस दिन फिर हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। फ्रॉम द मैं सबसे बड़ा अपना जो मेरे को चैलेंज आया और जो बहुत बड़ी लर्निंग रही मेरी, मेरे को लगता है कि वो जेपी सीमेंट की एंट्री थी। जेपी सीमेंट में जब यहाँ पर 84 में चालू हुआ, मैं उसको थोड़ा सा बोलूँगा 5 मिनट उसके लिए, तो उस समय हम लोगों के पास में हमारे पापा हमेशा बिलीव करते थे कि बहुत ही सिंपल लाइफ लीड करो, तो कोई कार नहीं थी, कोई व्हीकल नहीं था। जैसे ने बताया कि हम लोगों ने बहुत ही हम्बल स्टार्टिंग की, तो मैं यहाँ से सपना जब वो जेपी सीमेंट का पता चला तो वहाँ पे वो दे उनके ओनर हैं दे बिलोंग टू बुलंदशहर, और सपना भी हमारे जो कंप्यूटर थे वो भी बुलंदशहर के थे। उस कनेक्शन के कारण वो मतलब उनका बिजनेस चल रहा था और वो किसी नए किसी को भी एंट्री नहीं दे रहे थे। फिर भी मैं गया, बस यहाँ से वो शेयर जीप चलती थी, वो शेयर जीप में पहले रीवा गया और वहाँ से मैं एक कोई लिफ्ट लेके मैं उनके कैंप में पहुँचा नौबस्ता। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पूरा धूल से भरा हुआ था और वहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर था उसे जब मैं मिला तो उसने मेरे को बोला भाई साहब अभी तो जब भी रिक्वायरमेंट होगी हम बताएंगे और अभी हमारे आप ऐसा करिए कि फिर बाद में कोई साधन नहीं मिलेगा, अब चले जाइए, ये गाड़ी जा रही है आप निकल जाएंगे, आप आराम से पहुँच जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, तो उसने मेरे को टरका दिया लेकिन मैं समझ गया कि मेरे को टरका रहा है। तो अब मेरे को ये समझ में आया कि अगर मेरे को यहाँ एंट्री लेनी है तो मेरे को टॉप से जाना पड़ेगा। तब मेरे को पता चला कि
के जो डायरेक्टर हैं वो होटल चंद्रलोक में ठहरे हुए हैं, मिस्टर जीपी गोड डायरेक्टर थे, और मैं उसके बाद में दो तीन दिन बाद फिर वहाँ रिवर पहुँच गया डायरेक्टर से मिलने के लिए। दो घंटे वेटिंग करता रहा, नहीं बुलाया, फिर उसके बुक को मैंने पटाया, उस बुक को के थ्रू मैंने उसको स्लिप भेजी, तब उन्होंने अंदर से खिलवाया कि अच्छा आप हमारे वहाँ साइट पर आइए मिलिए। उसके पहले मैं कम से कम 8-10 चक्कर लगा चुका था उनके परचेज वालों से मिलने के लिए उनके लिए, लेकिन कोई मेरे को घास नहीं डाल रहा था। और जर्नी जाने का तरीका मैंने आपको बताया कितना डिफिकल्ट था। तो उसके डायरेक्टर ने बोल दिया कि साइट पर आइए। उसके बाद कम से कम 4-5 बार मैं उस डायरेक्टर से मिलने साइट पर गए, जब भी जाते थे वो वेट कराते थे, 3-4 घंटे वेट कराने के बाद बोलते थे कि आज ट्राई नहीं, अगली बार मिले, मैं वापस आ जाता था। एक दिन फिर मेरे पास मैसेज आया कि वो जीपी गौड़ साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो मैं गया वहाँ पे, गया तो देखा बाहर मेरा कंप्यूटर बैठा हुआ उनके ऑफिस के बाहर। मैंने कहा अभी आज आना बेकार हो गया, अभी ये पूरा शहर वाले हैं, ये कहाँ मेरे को देंगे। जो भी हो, उन्होंने मेरे को जब स्लिप भेजी तो उन्होंने और मेरे बारे में पूछा समझा। फिर उन्होंने उस समय दिल्ली से फाइनेंस डायरेक्टर आए हुए थे मिस्टर सुनील शर्मा, उन्होंने मेरे को उनसे मिलवाया। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मिलते ही मेरे को बोले रिक्वायरमेंट थी साल भर लीज की, और वो उसकी क्वांटिटी इतनी बड़ी थी कि जो पिछले एक साल में हम पूरी क्वांटिटी सेल करते हैं वो क्वांटिटी उन्होंने मेरे को लिख दी कि ये क्वांटिटी हमको चाहिए, कैन यू सप्लाई इन 1 मंथ। अब वो 1 मंथ में जो वो क्वांटिटी 1 मंथ में सप्लाई करना वाज रियली नेक्स्ट टू मतलब डिफिकल्ट। और वो उनका प्रोजेक्ट बिल्कुल टाइम बाउंड जॉब था, वो उनको 1 महीने में चाहिए ही चाहिए थे। मैंने कहा मैं समझ गया था बाहर कंप्यूटर बैठे हैं, और अगर मैंने कुछ भी बोला कि मैं बाद में बताऊंगा तो ये आई विल मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा ठीक है सर, आई विल सप्लाई इट। मैंने उस समय कोई दिमाग नहीं लगाया कैसे होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा चलो करेंगे। उन्होंने क्या क्या रेट होगा, मैंने अपना रेट बताया, कुछ उन्होंने नेगोशिएट किया और उन्होंने फाइनल कर दिया। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज था कि उस 1 महीने के अंदर कैसे पूरी करें। वो बल्ली जो है उस समय रांची से आया करती थी और वो वैगन से आया करती थी, ट्रक से नहीं आती थी, और उस समय वैगन से माल लाना एक बहुत भारी काम था। अब मैं थोड़ा सा बताऊं कि परचेजिंग कैसे इसको मैंने ओवरकम किया। मैं जैसे ही ऑर्डर लिया तुरंत मैं रांची पहुंच गया अपने एक स्टाफ के साथ। अब वहां गया तो मालूम पड़ा है कि एक गवर्नमेंट का नियम आया है और उन्होंने अब कटान पे बल्लीज की कटान पे रोक लगा दी है, अब कम हो गई है, तो मार्केट में क्राइसिस हो गई और रेट बढ़ गए। अब जिस रेट में मैंने ऑर्डर लिया था अगर मैं उस रेट में माल देकर भेजूं तो मेरा मतलब बहुत हैवी लॉस था, और माल की क्राइसिस थी, मैं माल भी पूरा नहीं कर पाता था। फिर मैं वहाँ पर काफ़ी इंक्वायरी किया तो मालूम पड़ा कि वेस्ट बंगाल में झाड़ग्राम में वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ अलाउ किया है। रातों रात में बैठा ट्रेन में वहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँचा तो कोई होटल नहीं, एक मुश्किल से छोटा सा लॉज मिला, उसमें एक कमरा दिया, इतने बड़े बड़े मच्छर थे उसमें तो, और वो जब मच्छर रात को जब सोने का आता था तो वो कंडे के धुएं से सारे मच्छर को भगाया जाता था, फिर मसहरी लगाते थे फिर सोते थे। खाने के लिए वहाँ पे ढाबा था छोटा सा, उसको 24 घंटे पहले बताना पड़ता था, तब वो हमारे लिए एक थाली खाना लगाता था मारवाड़ी भाषा का। खैर वहाँ पर कहीं गए झाड़ग्राम में तो उन्होंने भी बोला सर ये क्वांटिटी तो हम दे नहीं पाएंगे, तो जितनी भी उन्होंने क्वांटिटी बोली तो वो क्वांटिटी और रेट उनको ठीक मिल गए, तो हमने वो क्वांटिटी ले ली। अब रागी बाकी क्वांटिटी कैसे पूरी करें, तो मालूम पड़ा कि बगल में छोटे छोटे स्टेशन हैं तो वहाँ गए, वहाँ विजिट किया। अब वहाँ जाने के लिए या तो हमको मालगाड़ी में जो पीछे यार्ड का वो गार्ड का डिब्बा होता है उस गार्ड के डिब्बे में बैठ के या तो हम जाया करते थे या पैसेंजर ट्रेन में लटक के जाया करते थे, इतनी मालूम पड़ती थी।
खड़गपुर के आस पास में है ये मिदनापुर जिले में, तो वहाँ पर गए, वहाँ से भी वो उसको एंट्री ले गई बेटी। अब चैलेंज हुआ कि उसको मान को लेकर कैसे जाए, तो फिर हम लोग ने मैंने वहाँ पे वो जब वैगन के लिए इंडेंट लगा कर थे, और वो इंडेंट लगने के बाद में कोई भरोसा नहीं था कि कब वो वैगन प्लेस हो। अब तो हमने इंडेंट लगाया, अब मैंने स्टेशन मास्टर के साथ लाइनिंग चालू की, और कैसे भी जैसे तैसे करके उसको पटा पटू के लाइनिंग करके और वो वैगन का प्लेसमेंट प्रायोरिटी भी कराया। अब ये हुआ कि वहां से वैगन जो सपना आती है लोडिंग के बाद, वो तीन जगह पकड़ती थी। पहले वहां से लोडिंग होने के बाद राउरकेला आती थी, राउरकेला से मुगलसराय, मुगलसराय से नैनी, ये तीनों जगह कटती नए ट्रेनों में लगती थी, और वो फिर सतना आती थी तीन जगह। तो अब इनको माल को उस समय एक वैगन को पहुंचने में कम से कम एक महीने का समय लगता था। हमने कहा एक महीने का समय लगेगा तो ओके, तो हमने क्या किया कि वो इस वैगन को लोड किया और फॉलो किया। राउरकेला स्टेशन में पहुंचे, वहां पर जो यार्ड था वैगन का यार्ड वो 3 किलोमीटर था। पैदल ट्रैक के सारे वहाँ पर कोई जाने के रोड नहीं थे, ट्रैक के सारे सारे हमको यार्ड जाना पड़ता था, और वो पूरी अपने उस यार्ड में घूम के लोकेट करना पड़ता था कि हमारी गाड़ी वो जो हमारी वैगन जो लोड है वो कौन से ट्रैक पे खड़ी है। कम से कम 22 ट्रैक थे उसमें, उस 22 ट्रैक में हमको लोकेट करके देखना पड़ता था, और फिर यार्ड जो सुपरवाइजर था उसको हमको बताना पड़ता था कि यार ये जो वैगन है यहाँ खड़ी है, इसको आपको नेक्स्ट ट्रेन में प्रायोरिटी पे लगाना है। जब पहली बार में गया और जब ये सब काम करने के बाद शाम को लौटा हूँ प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा कमर सीधी करने के लिए जो ओपन प्लेटफॉर्म पे सीमेंट की सीट होती है उस पर थोड़ा आराम कर लो, कमर सीधी कर लो। रात में मैं वैसे ही जब लोग लेटा हूँ तो मेरी सवेरे नींद खुली है, मेरे को नहीं मालूम था मैं कहाँ सो गया, और सवेरे जब मैं उठाऊँ तो मेरे ऊपर पूरी कोयले की काली परत चढ़ी हुई है। और ये लेकिन वो जो एक महीने में जो वैगन पहुँचती है वो वैगन 7 दिन में सतना में पहुंची। दोनों जगह लाइनिंग लड़ी पड़ी, मुगलसराय और नैनी में, और जो ऑर्डर मेरे को 20 दिन में पूरा करना था वो ऑर्डर मैंने 21 दिन में पूरा किया। पिछले साल का जो प्रॉफिट पूरे एक साल में कमाते थे वो प्रॉफिट हमने केवल एक महीने में कमाया था। और उसके बाद में जब उनकी मैनेजमेंट का हमारी कंपनी के ऊपर में इतना विश्वास हो गया कि जो भी रिक्वायरमेंट आती थी उसका 80% बिना कहे वो मेरे को दिया करते थे, और 20% केवल नाम के लिए दूसरे कंप्यूटर को देना पड़ता था उनको बुलंदशहर के कनेक्शन के कारण। और इससे जो मेरे को लर्निंग हुई है, ये पूरे मैं जितनी प्रॉब्लम्स आई लर्निंग हुई, मार्केटिंग की फॉलो अप किया, ये सब परचेज किया, ये लर्निंग पूरी लाइफ मेरे हर जगह काम में आई। दिस वाज़ द ग्रेट लर्निंग अपार्ट फ्रॉम अर्निंग द प्रॉफिट, दिस वाज़ द ग्रेट लर्निंग। तो देखिए जो मैं क्लास में कहता हूँ आप लोगों से वो गलत नहीं कहता, आप लोग कई बार मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि बिना मारे स्वर्ग नहीं मिलता, यू हैव टू डाई टू रीच दी हेवन। तो देखिए सर ने कहाँ से शुरुआत की, खुद बता रहे हैं कि मेरे ऊपर कोयले की परत चढ़ी हुई थी, हम आज स्टेशन पे बैठना पसंद नहीं करते हैं कि यार कहाँ फंस गए, कोई वेटिंग रूम मिल जाए कुछ मिल जाए, बट सर ने वहाँ समय काटा और पर्सनल स्पेस, तो देखिए आज सर कहाँ है। सर एक सवाल ये था कि जर्नी चल रही थी, शुरुआत हो चुकी थी, ये बच्चों के दिमाग में अक्सर रहता है कि यार हम रिस्क लेने के लिए तो तैयार हैं बट सपोर्ट सिस्टम क्या है, तो आपके पीछे सर वो क्या सपोर्ट सिस्टम था
जो आपको इस जर्नी के दौरान लगातार मोटिवेट कर रहा था कि आप बेफिक्र और निडर होकर उस रास्ते पर चल रहे थे लगातार? मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरे फादर थे, और मेरे को ये लगता है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अगर मैंने उनके किसी के फादर अगर बिजनेसमैन में नहीं है तो कम से कम उनके पास में कोई एक ऐसा कोच होना चाहिए जो टाइम टू टाइम उनको सही गाइडेंस दिखाता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इतने अप्स एंड डाउन आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में कि उस समय कोई ना कोई आपको वो सपोर्ट, जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट ही हो, उस समय आपको आपके मोटिवेशन को बनाए रखे, आपके मनोबल को बनाए रखे, आपको सही गाइड करता रहे, वो बहुत जरूरी है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मैयर सीमेंट में जब मैं 1982 में स्टार्ट किया तो मेरे भी वहाँ पर बड़े अच्छे टर्म्स बन गए थे। तो मैंने उस समय एक स्क्रैप, उन्होंने बिजनेस चालू किया स्क्रैप, हालांकि वो 2-3 साल में चला, मैं उसमें आई वॉज नॉट इंजॉइंग, तो मैंने बंद कर दिया। तो जब स्क्रैप का बिजनेस किया तो एक डील बहुत ही प्रॉफिटेबल डील थी, वो मेरे हाथ से निकल गई और मैं बिल्कुल निराश मुद्रा में घर पे जब वापस आया तो फादर ने बोला, क्यों मुँह लटका रखता है, क्या बात हो गई? मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया, और मैं बिल्कुल रुआसा था, मतलब बिल्कुल डिमोटिवेटेड था कि ऐसे कैसे हो गया। तो मेरे पापा ने बोला कि यार ये तो माया का खाल है, ये बहता है, बहता रहेगा, इसमें क्या निराश होना है, आज ये छूटा है कल नई अपॉर्चुनिटी आएगी, इन चीज़ों से कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो वो जो उन्होंने उस समय मनोबल बढ़ाया, तो वो जो मैंने बात गांठ बांधी कि अब एक अपॉर्चुनिटी निकल भी गई तो रोज नई अपॉर्चुनिटी आए। तो ये सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है, और भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए और बाकी तो, बट एक कोई ना कोई कोच बहुत जरूरी है सपोर्ट सिस्टम। जो जैसे सर भी कहते हैं, चेयरमैन सर भी हमेशा कहते हैं कि यू शुड ऑलवेज हैव अ मेंटर। वो गुरु का रूप ये नहीं है कि वो आध्यात्मिक गुरु ही हो, बट कोई एक ऐसा हो जो आपको लगातार बिना आपकी एक गाइडिंग लाइट बनकर लगातार आपको आपका प्रदर्शक बनकर आपको लगातार रास्ता दिखाता रहे। तो वो सही बात है ना कि मंजिल मिली जाएगी भटकते ही सही, नादान तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो कहीं ना कहीं रिव्यू के साथ और एक समय जैसा सर के में आया, चेयरमैन सर ने भी अपनी स्टोरी में बताया था जर्नी में कि उनके पास भी ऐसा समय था, उनको भी एक बार लगा था यार बोले हो गया, मैं चप छोड़ के वापस जा रहा हूँ बिजनेस के दौरान, सर का भी यही था। तो मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, अप्स एंड डाउन्स ये आपकी ज़िंदगी में आते रहते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ECG देखा होगा हार्ट का, जिसमें ऊपर नीचे चलता है। तो जब तक वो ऊपर नीचे चल रहा है तब तक आप जिंदा हैं। जिस दिन वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी उस दिन यू आर अ डेड मैन। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ अप्स एंड डाउन्स। और नेक्स्ट सवाल मेरा सर से ये है कि सर आपके हिसाब से एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए वो क्या, देखिए जो थ्योरी हम पढ़ाते हैं वो तो थ्योरी है, लेकिन देयर इज नो सेकंड कॉस्ट टू एक्सपीरियंस। तो आपके हिसाब से वो चीजें क्या हैं जो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जरूरी है? मेरे को लगता है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आपके मन में जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए कि मेरे को एंटरप्रेन्योर ही बनना है। फिर वो जितने भी बाकी सारे रास्ते हैं वो बिल्कुल बंद कर दें, चाहे वो कितने भी लुक्रेटिव हों, कितने भी उसको अट्रैक्ट कर रहे हों, तभी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर आपने इन दो नावों पे पार रखे कि यार चलो सर्विस जॉब के लिए भी रखता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर के लिए भी रखता हूँ, तो वो दो नावों की जब भी सवारी करेंगे तो मेरे को लगता है कि एंटरप्रेन्योर बनना बड़ा मुश्किल है। तो एक तो बिल्कुल आपको क्लोज करना पड़ेगा। मैंने इंडस्ट्री लगाई उस समय मैं ट्रेडिंग में, देर वॉज ए वेरी गुड प्रॉफिट,
अंदर मैं बहुत अच्छा टर्नओवर कर रहा था और बहुत अच्छा कमा रहा था, लेकिन मेरे मन में ये था कि नहीं यार मेरे को मजा नहीं आ रहा है, नॉट जॉब सेटिस्फेक्शन मेरे को नहीं मिल रहा, और मेरे को ये लगा कि मेरे को इंडस्ट्री ही लगा नहीं है। मेरे पापा बिल्कुल फेवर में नहीं थे कि आप इंडस्ट्री लगाओ, उनको मालूम था कि इंडस्ट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब मैंने मन में ठान लिया कि नहीं मेरे को इंडस्ट्री ही लगानी है, तो मैंने ये ध्यान देना छोड़ दिया कि मेरे को उसमें क्या लॉस होगा, जो मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ वो प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा, से होगा नहीं होगा। तो जिस दिन मैं सोच रहा था कब 10 साल से 90s से कि मेरे को इंडस्ट्री लगानी है, इवन इनफैक्ट और पहले से भी सोच रहा था, बट 95 में जब मैंने ये ठान लिया कि मेरे को इंडस्ट्री ही लगानी है, तब मैंने इंडस्ट्री लगा पाई। अगर मैं वो ये नहीं ठानता कि नहीं मेरे को इंडस्ट्री लगानी है, तो मैं इंडस्ट्री आज तक नहीं लगा पाता। तो ये बहुत जरूरी है कि एक तो एंटरप्रेन्योर को कि ये मन में लेना कि एंटरप्रेन्योर बनना है। दूसरा उसमें रिस्क टेकिंग पावर, जैसे आप लोगों ने बताया, वो बहुत जरूरी है कि उसमें एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस में आप कितना भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो आप प्रेडिक्ट करें वही हो। रोज नए नए अपॉर्चुनिटी आएंगी, नए नए चैलेंजेस आएंगे, नए नए प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आपने रिस्क तो लेने ही पड़ेगी। बट वी कैन टेक कैलकुलेटिव रिस्क कि हम उसकी आप लोगों को सिखाया गया होगा हाउ टू टेक कैलकुलेटिव रिस्क, तो वी शुड टेक कैलकुलेटिव रिस्क, ये होना चाहिए। इसके बाद ये दो चीज़ें तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, इसके बाद में तो आप लोग को मालूम ही होगा कि अगर स्टार्ट करना है तो कुछ आपके पास में आइडियाज हों। अच्छा सर, आपको लगता है कि इस जर्नी के दौरान आप कुछ बदल गए या सोचने का तरीका बदल गया है, या आपकी चीज़ों में सोच में कुछ फर्क आया है? जो जर्नी आपने ट्रेडिंग से शुरू की थी और आज आप मैन्युफैक्चरिंग तक हैं, बड़ा ब्रांड है, तो इस दौरान सर क्या चेंजेस आए आपकी मतलब बहुत मेंटली जो आपका सोचने का तरीका था? ये तो मेरे ख्याल से जिस समय शुरुआत की थी उस समय बिल्कुल अलग सोच थी, ट्रेडिंग करते रहे तब अलग सोच रही, जब इंडस्ट्री में आए तब तो बिल्कुल ही सोच चेंज हो गई, और आज जब आज इस स्टेज में है तो वो जो 97 में जो इंडस्ट्री पहली इंडस्ट्री चालू की थी और आज जो है सोच है वो और ज़्यादा चेंज हो गई। और जो सबसे बड़ा चेंज, जैसे अगर अच्छा जो सोच की आप बात कर रहे हैं, मैं इसमें यहाँ भी ये भी कहना चाहूँगा कि ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर ही। आपकी जितनी बड़ी सोच होगी उतना ही बड़ा आप काम कर पाएंगे। जिस दिन आपने छोटी सोच की तो आप मान के चलिए कि आपका काम भी आप छोटा ही सोच पाएंगे। तो जब हमने ट्रेडिंग चालू की थी तो हमको नहीं मालूम था कि हम यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन जिस समय चालू की थी हमको ये था कि हमको बड़ा काम करना है, बड़ी ट्रेडिंग करनी है, बड़ा। जब इंडस्ट्री भी चालू की तो भी ये था कि नहीं इसको अच्छे बड़े लेवल में काम करना है। ट्रेडिंग की काम करने की सोच और इंडस्ट्री की काम की सोच में काफी अंतर है। अब मैं उसको एलुब्रेट करूंगा तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम लग जाएगा तो लेकिन देयर इज अ बिग डिफरेंस। सर ने जो कहा कि सोच छोटी नहीं रखनी है, तो मुझे मनोज मुंतशिर की दो लाइनें याद आती हैं, जूते फटे पहनकर आकाश पे चढ़े थे और सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। बचपन से सुना था कि इफ यू एम फॉर द स्काई यू लैंड ऑन द मून, तो सोच हमेशा बड़ी रखी है। और जैसा सर ने कहा कि जब उन्होंने ये ठान लिया कि उनको इंडस्ट्री लगानी है, तब उन्होंने ये सुनना छोड़ दिया कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे और इसका नतीजा क्या निकलेगा। ही ओनली बिलीव्ड इन एक्शन, जिसका पिछले 9 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ सर, चेयरमैन सर का हमेशा फोकस रहता है कि 1% प्लानिंग है, 99% एक्शन है। तो सर ने भी उसी पर फोकस किया कि यार काम करके देखते हैं, जो होगा वो आगे देखें। सर एक चीज़ मैं आपसे बेसिक जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं
जो अभी पढ़ रहे हैं, जिनके पास शायद बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होगा, सर ने अभी बताया कि वो बत्ती जलना, वो घंटी बजनी चाहिए कहीं ना कहीं आपके अंदर, तो आप इनको क्या टिप देंगे कि ये लोग उस रास्ते पर चलने के बारे में कैसे अपनी सोच बड़ी रख सकते हैं? क्योंकि जब जब ये सोच दिमाग में आती है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो कहीं ना कहीं हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आकर खड़ी हो जाती हैं जो हमें रोकती हैं, चाहे वो फाइनेंसिस को लेके हो, चाहे वो प्रायर एक्सपीरियंस ना हो कि भाई हमारी फैमिली में कोई बिजनेस फैमिली है। तो आप इनको सब क्या सलाह देंगे जिससे ये लोग आगे बढ़ सकें उसमें? लगता है इसमें अभी सुनील जी ने जो पहले आपको बताया वो बिल्कुल सही बात बोली कि, और आपको सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपको मन में ये आपको वन साइडेड ही होना पड़ेगा कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है। फाइनेंस और जब आपने एक बार ये ठान लिया कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, तो अपने आप फिर सब चीज़ें उस वो जो बोलते हैं ना कि एक अगर आपने एक बार कोई चीज़ को ठान लिया तो कायनात भी आपको उसको सपोर्ट करने लगती है, और ये वास्तव में ऐसा ही होता है। जब आप अभी ये सवाल उठता है कि हम एंटरप्रेन्योर बने तो क्या करें, तो ये जो इन्होंने बोला कि बत्ती गुल बत्ती कहाँ पर आपकी जल जाए, तो मेरे को लगता है इसमें सबसे बड़ी चीज है कि देखने की है कि आप क्या चीज को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप को आप एंजॉय कर रहे हैं, उसमें आपको मजा आ रहा है, जो उसके चैलेंजेस हैं उसको चैलेंजेस को फेस करने में आपको मजा आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं इफ यू आर एंजॉयिंग दैट। अगर आपको ये लगे कि नहीं, ये रोज रोज इतने अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, इतने रिस्क टेकिंग है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, 36 डिपार्टमेंट को डील करना पड़ रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में चपरासी को भी कभी कभी जाके साहब बोलना पड़ता है, चीजें करनी पड़ती है, धक्के मतलब इतने स्ट्रगल हैं फिर भी, और ऑफिस में अगर हम आज जॉब करेंगे तो बस टाई पहनी और हमने वहाँ पर ऑफिस में बैठ गए और लाइफ इज़ वेरी इजी एंड लाइफ इज़ वेरी कूल। तो अगर आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, स्ट्रगल को, चैलेंजेस को, तो आप मान के चलिए कि यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। जिस दिन आपके मन में ये आ गया कि हाँ मैं इसको एंटरप्रेन्योर बनूंगा, उसके बाद में फिर आप ये देखिए कि आप एंटरप्रेन्योर के बाद में फिर आपका ये होता है कि अब आपको करना क्या है, क्या चीज का बिजनेस करें। अब उसमें नाउ अगेन दिस इज ए मिलियनेयर क्वेश्चन कि हमको करना क्या चीज चाहिए, वेदर सर्विस इंडस्ट्री में जाएं कि मैन्युफैक्चरिंग में जाएं कि हम ट्रेडिंग में जाएं, ये किस में जाएं, ये भी एक बहुत बड़ा मिलियनेयर क्वेश्चन है। इसमें मैं ये कहूँगा कि अगेन इसमें ये है कि आपको उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि यू नीड टू सर्विस पीपल जो सर्विस इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन लोगों से आप मिलिए जिस में भी आपका इंटरेस्ट लग रहा है कि मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, यू मीट देयर इंटरप्रेन्योर्स जो यूज ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, और आप किसी से भी बात करेंगे कि मैं मिलना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग मना करते हैं अपने को शेयर करने के लिए, आप उन लोगों से मिलिए, ट्रेडिंग में ट्रेडिंग वालों से मिलिए, और उससे उनसे समझिए कि इस बिजनेस में क्या चैलेंजेस हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, उसके एक्सपीरियंस उनसे शेयर कीजिए। जब आप उनसे बात करेंगे तब आपको ये अगर लगे कि ये जो इसके चैलेंजेस हैं, जो इसके बेनिफिट्स हैं, ये इसमें मैं इंजॉय करूँगा, देन यू गो इन टू देन अगेन डिटेल। तो जितना आप आपस में उन लोगों से शेयरिंग करेंगे, बात करेंगे, उतना ही आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आती जाएगी। जब ये आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ हमको ये चीज़ चालू करनी है, उसके बाद में आप उसकी शुरुआत छोटे से करें, भले वो काफ़ी बाद में स्केलेबल हो, बट यू स्टार्ट स्मॉल, और उतना ही रिस्क तो उसमें भी रहेगी, लेकिन यू कोई भी चीज़ को आप जितना
स्मॉल स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ फर्स्ट, मैं ये उनके लिए बोल रहा हूँ जिन जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर्स हैं जिनके ऑलरेडी दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो आप स्मॉल से स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट मैं उसमें बोलूंगा कि आप ट्राई कीजिए कि कम से कम लोन लें, जितना अदरवाइज मैं अपने जो मैंने 2007 में एक इंडस्ट्री लगाई अपने रुद्रपुर में ही, तो उसमें मैंने लोन लिया पहली बार, टर्म लोन लिया था, 15 करोड़ का टर्नओवर था लेकिन मैंने 9 करोड़ अवेल किया, लेकिन वो 5 साल में जब तक वो लोन रीपेमेंट नहीं कर दिया तो मेरे को ये समझ में आ गया कि जब तक वो लोन सिर पे रहा तब तक ना इंडस्ट्री की ग्रोथ हो पाई और ना ही, और मैं एक तरीके से बैंक की हम लोग नौकरी कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। तो लोन लेना पड़ता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोन नहीं लें, और कोशिश करें कि केवल टर्म लोन लें, लेना भी है तो सीसी लिमिट एज मच एज पॉसिबल अवॉइड करें। लगती बहुत आसान है सीसी लिमिट कि ये सीसी लिमिट ले लेंगे जितना यूज होगी उतना ही उसका ब्याज देना पड़ेगा, बट सीसी लिमिट से आप लोग को डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सीसी लिमिट एंड व्हाट इज द टर्म लोन। तो सीसी लिमिट, लेकिन वो सीसी लिमिट का मिसयूज बाद में चालू होना आता है, ब्याज आप भरते हैं और उसका फायदा आपके कस्टमर लेते हैं, डेटर्स लेते हैं। तो सीसी लिमिट कम से कम लें, टर्म लोन लेना भी है तो वो जितना मिनिमम पॉसिबल है उतना टर्म लोन लें, और उसको ट्राई करें कि आप ज्यादा जल्दी से जल्दी उसका रीपेमेंट करें और कंपनी को डेट फ्री बनाएं। जितनी जल्दी आप डेट फ्री बनाएंगे आपका पैसा और एक्चुअल में जो प्रॉफिट होता है वो आपका वो प्रॉफिट होता है जो प्रॉफिट आप बिजनेस से निकाल कर अपने दूसरे अकाउंट में डाल दें। आप सोचें कि वो मेरा बुक में प्रॉफिट शाम 1 करोड़ रुपए आ रहा है ईयर के लास्ट में, लेकिन वो प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं है, कल को वो प्रॉफिट या तो इन्वेंट्री में होगा या डेटर्स में होगा, और जब उसको आप एनकैश करने जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा वो 1 करोड़ का प्रॉफिट नहीं था, वो 10 लाख का प्रॉफिट था। तो एक्चुअल में प्रॉफिट वो है जो आप उस बिजनेस से निकाल कर अलग से कर रहे हैं। और फाइनेंस के लिए जहाँ तक आप ये बात है तो कोशिश कीजिए कि आप अपने से जो छोटे से स्टार्ट करेंगे तो वैसे भी कम पूंजी लगेगी, कुछ बैंक से आपने लोन लिया, आजकल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, यू ट्राई टू अवेल दैट स्कीम्स आल्सो। तो डिपेंड करेगा कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कैसे उसका फाइनेंशियल मॉडल होता है। तो सर से एक चीज मैं इसमें और आप लोग इनपुट देना चाहता हूँ, कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें हमेशा कोशिश कीजिए कि जितनी उसमें पूंजी की जरूरत है उतनी पूंजी अवश्य हो। कम पूंजी अगर लगाएंगे, अगर 100 रुपए की पूंजी की जरूरत है और अगर आपने उसमें कम पूंजी लगाई, कम कैपिटल लगाई, तो आपको वो खा जाएगी, आपके वेंडर आपको खा जाएंगे, आपके कस्टमर आपको खा जाएंगे। जितनी पूंजी है उससे थोड़ी सी सरप्लस पूंजी रहनी चाहिए, तो आप अपनी टर्म डिक्लेयर कर सकते हैं परचेज में भी और सेल में भी, अदरवाइज हमेशा आपको सस्ता बेचना पड़ेगा और महंगा खरीदना पड़ेगा। देखिए ये जो सर ने बताया ये चीजें आपको हम थियोरेटिकली नहीं बता सकते, इज़न्ट इट? ये तजुर्बे से आती है जो सर का बहुत विस्तृत है, और मुझे उम्मीद है कि उनकी बातें सुन के आज आपको ये समझ में आया होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप आप कर सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, और इट्स ऑलवेज गुड टू बी अ जॉब गिवर रादर देन अ जॉब सीकर। सर ने भी आप लोगों को पहले ही अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि अगर आप में से किसी को ये लगता है कि आपके पास एक फिजिबल आइडिया है और आप उसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना सकते हैं, सर के सामने पेश कर सकते हैं, तो CM Chairman सर ने बहुत पहले भी कई बार कहा है कि ही इज़ रेडी टू वर्क ऑन दैट आइडिया, इज रेडी टू फाइनेंस दैट आइडिया। तो आप सबसे मेरा ये है कि आप लोग आइडिया सोचिए, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाइए और उसको सबमिट करने के बारे में सोचिए, क्योंकि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस जर्नी जो आज शुरू करेंगे आप, तो कुछ समय बाद आपको उसके फल मिलना शुरू होंगे। बाकी अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, यदि आप में से कोई सर से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, किसी की कोई क्वेरी हो, कोई कुछ जानना चाहता हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम।
sir. I am Preeti Singh from MBA third semester. And my question is, what is your most satisfying moment in your business? मेरे को लगता है मैं अपनी लाइफ में कभी सेटिस्फाई हुआ ही नहीं। मोमेंटली छोटे छोटे क्षणों में तो जरूर सेटिस्फाई हुआ, जैसे जो भी टारगेट्स बनाए वो अचीव हो गए और उस समय मैं सेटिस्फाई हुआ, बट अदरवाइज वो एक टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन था, अदरवाइज परमानेंट सेटिस्फेक्शन तो कभी नहीं मिला। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जो मिस्टेक हुई है कि मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई कि मैंने बिग ड्रीम नहीं किया। मैं हमेशा जब भी ड्रीम किए बहुत छोटे किए। अगर मैंने शुरू में ड्रीम बिग किया होता तो मेरे को लगता है आज से जो आज मेरी ग्रोथ हुई है आई वुड हैव ग्रोन मल्टीफोल्ड। और ड्रीम ऐसा होना चाहिए जिस ड्रीम को सुन के लोग हंसे, अगर लोग हंस नहीं रहे इसका मतलब आपका ड्रीम छोटा है। थैंक यू। और दूसरी मिस्टेक मैंने ये की कि शुरू में मैं ओनर था लेकिन और ओनर जब तक ओनर है जब तक वो ग्रोथ को सोचता है, जिस दिन वो ग्रोथ को सोचना बंद कर देता है और वो ऑपरेशन में घुस जाता है और वो केवल ऑपरेशन में ही रह जाता है तो उस दिन कंपनी की ग्रोथ बंद हो जाती है। तो 2015-16 के आसपास की बात है, मेरे को ये ऐसा लगा कि यार अब आई एम सेटिस्फाइड, अब मेरे को और ज़्यादा ग्रोथ नहीं करनी, अब जितना है उतना ठीक है, नाउ आई शुड इंजॉय। और उस दिन से मैंने देखा कि मेरी कंपनी की ग्रोथ बंद हो गई, तो देट वॉज ऑल्सो मिस्टेक कि मेरे को वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। और अगेन आई एम ऑन द ग्रोथ पाथ। गुड आफ्टरनून सर, आई मीन माय नेम इज अनन्या गौतम, एमबीए थर्ड सेम। What is your backup plan? My backup plan is my yes, it's a good question. Thank you, sir. पहले मेरा जब मैं बिजनेस कर रहा था तो मेरा बैकअप प्लान नहीं था। बैकअप प्लान का मतलब आपका एक थोड़ा सा मेरे को एलिब्रेट कीजिए कि क्या मतलब है बैकअप प्लान का मतलब। सर, अगर आप इसमें आप सक्सेस नहीं होते बाय द चांस तो आप क्या करते हैं? देखिए, जब बिजनेस किया था, स्टार्ट किया था, तो ये मैंने सोचा भी नहीं कि नहीं सक्सेस होगी तो क्या करूँगा। लेकिन आज के दिन अगर मैं बैकअप प्लान की अपनी बात करूँ तो ये मैं आप लोगों को भी टिप देना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग बिजनेस करें तो कुछ ना कुछ हर साल जब बिजनेस प्रॉफिट में आ जाए तो एक छोटा सा हिस्सा, सपोज आपका प्रॉफिट 10% है तो आप भले 5% 2% 1% बिजनेस से निकाल के आप अपना एक कॉर्पस क्रिएट करें और वो कॉर्पस और वो दैट शुड बी मंथली बेसिस, नॉट ईयरली बेसिस, मंथली बेसिस। कि जो भी रिसीव आए, अगर आपको लगता है 10% प्रॉफिट आ रहा है और आपकी रिसीव 1 करोड़ की है तो आपका और 10% प्रॉफिट है तो मानो कि 10 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, तो आप चाहे भले उसमें 2 लाख रुपए महीने के आप उसका एक लगाएं और उसको कॉर्पस में डालते जाएं, वो धीरे धीरे इतना बड़ा रिजर्व्स बन जाता है। वो आपका बैकअप प्लान, फाइनेंशियल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो बैकअप प्लान आपको हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, क्राइसिस आएगी, वो आपको बहुत काम करेगा एंड यू विल नॉट बी एबल, मतलब आपको यू विल रिकवर दैट। और ये जिन्होंने फॉलो किया अभी कोरोना के समय, कईयों ने मेरे को शेयर किया
कि ये कॉर्पस उनको कितना बड़ा काम आया एंड वो बैंकरप्ट होने से बच गए. सर जैसे अभी इंटरप्रेन करने के लिए अब पहले मैं जॉब के लिए अगर अप्लाई करूं देन उसके बाद इंटरप्रेन के लिए करूं तो वो डिसीजन कैसा रहेगा? यस यू कैन डू दैट लेकिन आपको ये डिसीजन जल्दी लेना चाहिए. अगर आप मानिए जॉब कर रहे हैं और आप एक सीनियर स्टेज पोजीशन में पहुंच गए सपोज और उस समय आपकी सैलरी बहुत लुक्रेटिव हो गई बेनिफिट काफ़ी आपके पास फैसिलिटीज आ गई उस समय बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको चेंज करना कि वो जॉब को छोड़ के बिजनेस कोई भी करेंगी तो आपको लगेगा कि मैं जॉब में तो कमा रही हूँ 100 रुपीज और बिजनेस में करूँगी तो मेरे को ये पता नहीं कि मैं 10 रुपये कमा पाऊंगी कि या 10 रुपये लॉस करूँगी. बट मेरे को बैकअप के लिए रखना था कि मेरे को जैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए मुझे पैसों की नीड होगी तो बिना जॉब के और उन सबसे जब मैं पैसे इनकम कर लूंगी देन उसके बाद इंटरप्रेन करूं तो नहीं. मैं इसमें ये कहूंगा कि जॉब जो आप करें वो एक लर्निंग के लिए और एक्सपीरियंस के लिए करिए. आप पैसा उसे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जब आप उसको अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए तो मेरे को लगता है उसके लिए जॉब करने की जरूरत नहीं है कि उससे पहले पैसा कमाएं फिर आप बिजनेस करें ऐसा करने की जरूरत नहीं है. लेकिन एक लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए मेरे ख्याल से जॉब करना एडवाइजेबल होगा अगर उसमें आपका इंटरेस्ट हो तो. और कोशिश कीजिए ऐसा जॉब करें जिसमें कि यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द बिजनेस और उसके लिए सबसे अच्छा है छोटा कोई छोटे बिजनेस को ज्वाइन करें जिसमें कि यू विल गेट ऑल टाइप ऑफ द एक्सपीरियंस. आप कभी कभी जॉब मतलब बड़ी कंपनियों में करते हैं एंड यू वर्क ओनली इयोटा ऑफ द एक छोटा सा आपको दे दिया जाता है तो उसमें यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड द कॉर्पोरेट कल्चर एंड ऑल लेकिन आपको जो बेसिक चीज़ें इंडस्ट्री की कैसे सेल करना है कैसे परचेज करना है कैसे अकाउंट्स मेंटेन करना है कैसे प्रॉब्लम्स को सेल वो चीज़ें आप पूरा एक आपको पूरी पिक्चर नहीं मिल पाएगी पूरी चीज़ नहीं सीख पाएंगे तो छोटे बिजनेस में आप वो सीख सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर. माय नेम इज अक्षत कुशवाहा एंड आई एम एन एमबीए स्टूडेंट. सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे सर सभी का एक गोल होता है जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं फिर सर मास्टर करते हैं तो सर जैसे आप बाहर गए और सर कॉलेज किया और फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया और आपने आपके फादर ने कॉल किया कि आप वहाँ क्या कर रहे हो आप आ जाओ मेरा मतलब मेरा बिजनेस ऐसे करके संभालिए तो सर क्या आपका सर कोई गोल नहीं था कि मुझे नहीं मुझे वो नहीं कुछ अलग करना है सो डिफरेंट नहीं. मैं चूंकि मैं फादर के साथ बिजनेस का ऑलरेडी मैं पिछले 10 साल से या पिछले 5-6 साल से उनके साथ मैं पार्टिसिपेट कर रहा था और मैं एक्चुअली मैं इंजॉय भी करने लगा था तो मेरा गोल तो बिजनेस करना ही था. इनफैक्ट हाँ ये मेरा जरूर था कि उस समय कि मेरे को मेरा बिजनेस करने का तरीका मेरे को अलग करने का सोचता कि मेरे को जो फादर का बिजनेस का तरीका था मैं सोच रहा था कि आई शुड डू इन अ डिफरेंट वे एंड वो मैंने किया लेकिन गोल मेरा वही था बिजनेस करना. तो इसलिए जब फादर ने मेरे को बोला कि यू ज्वाइन माय बिजनेस तो ठीक है मेरे लिए अगर मैं आज ये रिग्रेट करता हूँ कि अगर मैं उस समय पढ़ाई पूरी करता तो मेरे को लगता है कि मेरे लिए और काम में आती और लेकिन ये भी एक है कि मैंने जैसे वो बी फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट किया तो तब तक तो मैंने साइंस की एजुकेशन और उसके बाद में मैंने बी कॉम किया तो मेरे को अकाउंट्स की भी नॉलेज आ गई तो मेरे को लगता है कि कभी कभी ये चीज़ ये कॉम्बिनेशन भी एक डेडली कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया रहा मेरे लिए. और जो साइंस का जो मेरी पढ़ाई थी वो आज मैं ये देखता हूँ कि जब भी मेरे पास में कोई भी फैक्ट्री में प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है तो वो जो साइंस का मेरा जो बैकग्राउंड रहा उससे आई अंडरस्टैंड वेरी इमीडिएटली वो मेरे बहुत काम में आ रही है. और साथ में
ये जो अकाउंट्स का मेरा बैकग्राउंड रहा, अकाउंट्स जो मैंने बी कॉम किया उसके कारण मेरे पास अकाउंट्स में आई है फुल कमांड, मतलब इवन आई कैन से कि सीए भी मेरे से जब बात करते हैं तो दे टॉक टू मी वेरी, मतलब उनको संभल के मेरे से बात करनी पड़ती है, वो दे कैन नॉट मेक मी फूल। एंड इन द सेम वे जो इंजीनियर्स भी हैं मेरी फैक्ट्री में दे कैन नॉट मेक मी फूल कोई भी टेक्निकल डिस्कशन होते हैं। तो इसका रीज़न ही यही रहा कि बिकॉज आई ये दोनों साइंस एंड कॉमर्स का मेरा पूरा। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? सेकेंड कि अगर आप बैकअप प्लान लेके चलते हैं तो कई बार आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं अपने एम और ऑब्जेक्टिव को लेके कि बोले यार ठीक है नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कुछ दूसरा तो है अपने पास करने के लिए। तो वही वो कह रहा है कि वैसे मेरा एम है सर गवर्नमेंट जॉब का, लेकिन अब क्योंकि मैं MBA कर रहा हूँ तो शायद मुझे कई बार ये लगता है कि मैं उतनी मेहनत अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं कर रहा हूँ जो शायद तब करता अगर मेरे पास MBA का एक बैकअप प्लान नहीं होता। तो वो ये जानना चाह रहे थे कि बैकअप प्लान होना अच्छी बात है या नहीं। देखिए अगर बिजनेस के पर्पज से मैं बात करूँ फाइनेंशियल मॉडल में, तो उस मॉडल में तो बैकअप प्लान होना बहुत अच्छी बात है। जितना अच्छा बैकअप प्लान होगा उतनी ज़्यादा आप रिस्क टेकिंग कर पाएंगे, तो बिजनेस के लिए तो इट इज़ वेरी गुड। दूसरा आपने बोला कि मेरा इंटरेस्ट आपका गवर्नमेंट जॉब में जाने का है, तो क्या मैं ये बैकअप प्लान रखूँगी कि मैं बिजनेस कर लूँ? क्या ये मतलब आपका यही है कि बिजनेस कर लूँ अगर गवर्नमेंट जॉब में हो गया तो अच्छा है, नहीं तो मैं बिजनेस करता रहूँगा? तो मैं इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा कि अगर आप दो नाव में, जो मैंने पहले बोला कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बिजनेस करूं या मैं गवर्नमेंट में जॉब में जाऊं, दो नाव में पाँव रखेंगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आपको वन साइड होना ही पड़ेगा कि मेरे को सर्विस जॉब करना है, इतना तो जरूर करना पड़ेगा कि मेरे को जॉब करना है या बिजनेस करना है। सर मेरा ऐसा है कि अगर मुझे जॉब करनी है तो गवर्नमेंट जॉब करनी है। अगर आपकी ये सोच है कि मेरे को सेकेंडरी है बिजनेस, तो पहले आप गवर्नमेंट जॉब को ट्राई कर लीजिए। आपको जब ये लगे कि नहीं मेरे को बिजनेस ही करना है तो फिर आप बिजनेस स्टार्ट करिए। अगर अभी आप ये सोचते हैं कि नहीं यार मैं अभी बिजनेस कर लेता हूँ, गवर्नमेंट जॉब लग गई तो ठीक है, तो आप बिजनेस में काफ़ी सक्सेस होने के चांसेस दिक्कत आएगी। गुड मॉर्निंग सर, माइसेल्फ आकाश तिवारी। सर आप रिश्तेदारों को कैसे हैंडल करते थे जब आप अपने पापा के बिजनेस को ज्वाइन किए? सर एक ये भी क्वेश्चन मार्क होता है कि वो पापा के बिजनेस करने में बैठा हुआ है, अपना कुछ पर्सनल गोल भी डिसाइड नहीं था, उस चीज को कैसे आपने ओवरकम किया? कैसे रिश्तेदारों को, जैसे फैमिली मेंबर कोई भी बोलेंगे कि आपका तो कुछ भी बनाया हुआ नहीं, सब आपके पापा का बनाया हुआ, आप उसको बस कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या आप वो उस कैपेबल हो या नहीं हो, उस चीज को स्टार्टिंग में कैसे हुआ कम है, बाद में तो आपने प्रूफ कर दिया। मतलब जो हमारे भाई यू मीन टू से हम अपने ब्रदर्स वगैरह की बात कर रहे हैं, जो भी परिवार सोसाइटी जो सब आप पर ही लगाते हैं, मतलब कि बोले तुमने क्या किया, तुम्हें तो जो मिला बना बनाया मिला कि पापा का बिजनेस था उसको तुमने सीखा आगे बढ़ाया, तो मतलब अपनी क्रेडिबिलिटी पे जो क्वेश्चन मार्क लगता है कि भाई तुम्हारा तो कोई मेहनत नहीं है इसमें, तो उन चीज़ों को आपने कैसे हैंडल किया? देखिए इसमें मेरे को लगता है मेरे को हैंडल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
पहली बात तो मेरे को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या किया। मेरे को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, मेरे को मालूम है मैंने क्या किया। वन, दूसरा, सोसाइटी को या आपके फ्रेंड्स को या आपके रिलेटिव्स को या फैमिली मेम्बर को दिखता है कि जब आपने बिजनेस ब्रेकअप किया उस समय बिजनेस की क्या स्टेज थी और जहाँ पर अभी आप हैं वो आज क्या स्टेज है, क्या उसकी बॉटम लाइन है, क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, कहाँ उसका कॉर्पस कितना है, रिजर्व सरप्लस कितने हैं, वो सब उस सबको दिखता है, दैट इज वेरी ट्रांसपेरेंट। तो इसमें मेरे को लगता है कि कहीं कोई आई थिंक मैंने तो जितने एग्जाम्पल देखे क्लियर कट रिकॉग्नाइज होता है कि किसने किया है। थैंक यू सर। और एक चीज़ में, और अगर रिलेटिव का वर्ड आया है तो मैं एक चीज़ थोड़ा सा इसमें आउट ऑफ द क्वेश्चन एक चीज़ बोलूँगा कि बिजनेस जब भी करें तो ये बहुत क्लियर करके चलें कि हो सकता है कि आपका बिजनेस कभी किसी रिलेटिव के साथ में भी हो, फ्रेंड्स के साथ में भी हो। तो मेरे पापा ने मेरे को जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया था पहले ही एक दिन बोला था कि रिलेशन अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है, बिजनेस में रिलेशन नहीं आना चाहिए। जब भी आप किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स के साथ में बिजनेस करें शुरू में ही टर्म्स शुड बी क्लियर कि ये टर्म्स हैं। बाद में ये नहीं कि चलो ये बिजनेस फ्रेंड्स हैं कर लेंगे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। वेरी वेरी क्लियर टर्म्स के साथ में बिजनेस करें किसी भी फ्रेंड्स के या रिलेटिव के साथ। आकाश सर की ये बात याद रखना, इसको कम शब्दों में बोल रहा हूँ, रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। गुड आफ्टरनून सर, पवन कुमार तिवारी फॉर एमजे थर्ड्स है सर। माय क्वेश्चन वाज दैट व्हाट डिफरेंट स्ट्रेटजीज यू हैव अडॉप्टेड इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स। मेरे को ये लगता है कि ये मेरी ग्रोथ के पीछे बहुत बड़ा जो रोल रहा है वो स्ट्रेटजी का ही रहा है कि मेरे कंप्यूटर की क्या स्ट्रेटजी बना के, जैसे मैं जब इंडस्ट्री में आया, प्लाईवुड इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय प्लाईवुड की जो सेल्स थी वो मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हुआ करती थी। मैं 98 की बात कर रहा हूँ कि आठ दस डिस्ट्रीब्यूटर, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटरों को बना लिया जाता था और उन्हीं के थ्रू पूरी फैक्ट्री का मटेरियल सेल हो जाता था। मैंने भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाए बॉम्बे में, पुणे में, चेन्नई में, इंदौर में, नासिक में, कई जगह नागपुर में। ओवर ए पीरियड मेरे को ये समझ में आया कि ये डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अगर मैंने ये सेल किया तो ये डिस्ट्रीब्यूटर की जो आपकी जो कंपनी की जान है, गर्दन है, वो इन डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में रहती है। वो पूरा रेट स्क्वीज करते हैं, अपनी टर्म्स को डिक्टेट करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा सोचा और चैनल ये था कि हम डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करते थे, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को सेल करता था और डीलर फिर उसको एंड यूजर को सेल किया। तो मैंने सबसे पहले ये स्ट्रेटजी बनाई कि आई शुड बी, मैं डिस्ट्रीब्यूटर को अपने बीच में से हटाऊं। तो मैंने सबसे पहले वो स्ट्रेटजी में काम किया कि आई स्टार्टेड मेकिंग डीलर डायरेक्टली। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो मार्जिन है वो हमने कंपनी में एक्स्ट्रा हमको मिलने लगा। इसके बाद में मेरे को ये समझ में आया कि डीलर के ऊपर में भी अगर मैं पूरा डिपेंडेंट रहा तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने I started making end user, directly मैंने end users में काम करना चालू किया। Mostly जबकि industry में ये होता है कि end users से भी काम करना होता है तो वो through dealer करते हैं। तो मैंने end और उसमें तो end user में जैसे जो उस समय मेरे बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ थी जो directly wholesale में लेती थी उनको मैंने directly tap करना चालू किया। उसकी भी एक बहुत बड़ा struggle रहा है, it is not easy कि जैसे मैं जब मैंने चालू किया तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपको बोलूँगा कि
यू शुड है, जब भी आप कोई बिजनेस चालू करें, जैसे मैंने जब चालू किया तो जब बड़े एंड यूजर के पास जाने पड़े तो कोई मेरे को घास नहीं डालता था, बोलते थे कि, और उनके उनके पास जो कस्टमर थे वो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, ग्रीन प्लाई, सेंचुरी प्लाई, तो उसके सामने रामा प्लाई एक बच्चा थी जो ये कली पैदा हुई थी। तो फिर मैंने एक जो हमारा मैंने सोचा कि सबसे जो टॉप मार्केट में प्रीम कस्टमर है, कि अगर मैंने उस कस्टमर को अगर क्रैक कर लिया तो उस कस्टमर के रेफरेंस से सभी जगह मेरे को एंट्री मिल जाएगी। तो मैंने LMT को फोकस किया, लार्सन एंड टुब्रो को, और उस समय वो लार्सन एंड टुब्रो में एंट्री मिलना वाजे है, मतलब आप मान के चलिए कि बहुत ही डिफिकल्ट था, एंड इट वाज ए ड्रीम कस्टमर। लेकिन मैंने 2 साल तक कंटिन्यूसली उसके लिए फॉलो किया, 2 ईयर्स, एक एक हफ्ते तक मैं चेन्नई में उनके ऑफिस में रोज सवेरे बैठ जाता था और शाम को 4 बजे वापस आ जाता था। इतना वेट मैं खुद पर्सनली वेट किया हूँ। तो 2 साल की मेहनत के बाद में आई कुड स्टार्ट गेटिंग देयर ऑर्डर्स और उनकी एंट्री मिली। लेकिन वो मेरे लिए एंट्री मिलने के बाद इट वॉज ए गेम चेंजर, और मैं आई कुड गेट एंट्री इन मैनी कंपनी। तो अगर ये मैंने सारी स्ट्रेटजी नहीं बनाई होती कंप्यूटर के ऊपर में, तो जो ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ मैंने की, वो ग्रोथ मैं नहीं कर पाता। पवन क्लियर है? देखिए स्ट्रेटजी जरूरी है, और प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ, प्लानिंग एक अलग चीज है, लेकिन स्ट्रेटजी इसलिए जरूरी है कि जो आपने प्लानिंग की है उसको आप फुलफिल कैसे करेंगे। जैसा कि अपन पढ़ते हैं तो देखिए सर ने जो स्ट्रेटजी बनाई वो कितनी क्लियर कट थी, क्रिस्प थी, कि उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को शॉर्टन किया ताकि वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंच सकें, और उस प्रॉफिट मार्जिन को उन्होंने अलग अलग जगह पर यूटिलाइज किया। तो मुझे लगता है कि सवाल जवाब का दौर सर खत्म किया जाए। और कोई है? गुड आफ्टरनून सर, माय क्वेश्चन इज दैट अगर मार्केट में बूम है तो इसका मतलब रिसेशन आएगा ही आएगा, तो सर अगर बिजनेस में अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी हो सकता है, सो सर व्हाट आर द बेस्ट वेज टू रिकवर दैट लॉस? टू रिकवर द लॉस का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा, अगर कभी आपकी कंपनी में लॉस आ जाए तो सबसे पहला जरूरी है कि आप अपने खर्चों को कट कर दीजिए कभी भी। एंड मैं अपने फादर का एक इंसिडेंट बताता हूँ कि 64-65 में हमारे यहाँ, मेरे फादर यहाँ बहुत बड़ा लॉस आया और ऑलमोस्ट बिल्कुल बैंक करप्ट की कगार पे आ गए थे। अब उन्होंने, लेकिन वो बैंक करप्ट अपने को नहीं करना चाह रहे थे, उन्होंने कहा मैं मार्केट का हम पूरा पैसा देंगे, लेकिन उन्होंने उसको रिकवर करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए सारे खर्चों को कट किया, और इतना किया कि घर की बिजली कटवा दी। घर में कम से कम उस समय 20-25 मेंबर रहते थे, घर की बिजली कटवा दी, तेल के दिए से वो रात में काम करते थे। ये मेरी मम्मी ने मेरे को बताया, मम्मी ने, घर में दूध आता था, घी आता था, तो उसकी राशनिंग थी कि इसको इतना इतना मिलेगा। कपड़े तो मतलब ये बढ़िया कपड़े तो बिल्कुल बंद हो गए थे, एक वो सूती कपड़े का थान मंगाया जाता था वाइट कलर का, और उसी से ही सबके पूरे घर के वो उसी के कपड़े सिलते थे। मैं अपने घर में मतलब पर्सनल खर्चे की बात कर रहा हूँ, बिजनेस में तो बहुत ही उन्होंने कर्टेल किया, और पूरा उन्होंने उसके बाद में एंड, लेकिन मेहनत उन्होंने डबल की। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है, अगर लॉस आ जाए तो कट योर ऑल एक्सपेंसेस, जो कट कॉर्नर बोलते हैं, सारे एक्सपेंसेस को आप कट कर दीजिए। थैंक यू सर। और दूसरी चीज सर ने जैसा अभी पहले बताया था कि हमेशा एक कॉर्पस फंड अपने साथ डेवलप करके रखिए मंथली बेसिस पे, कंटिजेंसी रिजर्व कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो याद है ना जोर का झटका धीरे से लगने वाला एड का एक वो था कि जोर का झटका धीरे से लगता है, तो ये जो कंटिजेंसी रिजर्व है, ये जो कॉर्पस है, ये आपके लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ये आपके उस लॉस के झटके को झेलने में आपकी मदद करता है। जो सर ने शुरू में भी कहा था कि हमेशा हर महीने 1%, 2%,
जो भी आप निकाल सकें वो अपने कॉर्पस फंड्स में जमा करते रहिए और उसका इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन आपने जो लॉस, एक्चुअली दिस इज द बैकअप प्लान, वो मेरे ख्याल से ही इसको आस्किंग कि अगर लॉस आ जाए तो हम उसको कैसे रिकवर करें, तो उसका और एक बहुत बड़ा जरूरी एक वो होता है कि आप जितने हैवी वेट्स जो आपके सीनियर्स हैं उनको आप कम से कम करिए। मेरी कंपनी जो 2007 में थी वहाँ पर 10 साल के लिए एक्साइज एग्जेम्प्शन था, 5 साल इनकम टैक्स फ्री था, तो भी मैं 5 साल तक वहाँ लॉस फेस किया हूँ, 5 साल तक। दूसरी कंपनियाँ सब प्रॉफिट में थी, उसके वही और रीजन भी थे मिस मैनेजमेंट के, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन था कि वहाँ पर मैंने सारे हैवी वेट सीनियर बैठा रखे थे। तो कभी भी मत सोचिए कि आपने एक हैवी वेट सीनियर को बैठा दिया तो इसका मतलब आप फ्री हो गए, आपकी कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी चाहिए। यू हैव टू बी इन्वॉल्व एक एक चीज में। आप जब तक आपकी कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग नहीं होगी, आप कितना भी बड़ा हैवी सीनियर बैठा लीजिए, बड़ा सीईओ बना लीजिए, कभी भी आपको कमा के नहीं देगा। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम है अरविंद प्रजापति, मैं MBA फर्स्ट सेम से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक मैनेजर को ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बड़ी हैं कि अपनी लाइफ में नहीं करनी चाहिए? एक मैनेजर को? जी सर, मैनेजर या बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व होता है? नहीं, मैनेजर के लिए अलग चीज़ है, बिजनेसमैन को अलग चीज़ है। जी सर, बिजनेसमैन को जो नहीं करनी चाहिए, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी तो बिजनेसमैन की जो पूंजी होती है वो ट्रस्ट होती है। अगर आप बिजनेस में हैं तो मेरे को लगता है कि आपने आपको अपने ट्रस्ट को कभी लूज नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपका ट्रस्ट लूज हो गया, आप मान के चलिए कि आप बिजनेस से बाहर हो गए। तो ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है, वो ट्रस्ट विद एम्प्लॉई, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, विद योर सप्लायर, विद योर कस्टमर, विद ये, तो आपका ट्रस्ट बनाए रखना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट आप कभी भी ये गलती कभी नहीं करेंगे, आप ट्रस्ट को लूज कर रहे हैं। थैंक यू सर। आपने पढ़ा भी होगा अकाउंट्स में गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, इसीलिए है क्योंकि वो आपको मार्केट में सस्टेन करने में आपकी मदद करता है। तो सर अब इस सेशन को खत्म करते हुए जैसे कि हम कोई स्टार्टअप करते हैं और स्टार्टअप को बड़ा करने के लिए फंडिंग रेज करने जाते हैं, जैसे हम किसी को प्लान शो करते हैं, तो सर हम ऐसा क्या करें कि हम उसे प्लान शो कर रहे हैं तो हमारा वो प्लान चोरी ना कर सके? और सेकंड क्वेश्चन सर ये है कि सर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सर MBA करना क्या जरूरी है? देखिए, जो पहले आपने बोला ये प्लान चोरी ना हो पाए या फाइनेंस के लिए, तो चूंकि मेरा लोन लेने का और ये इसका बहुत कम एक्सपीरियंस रहा, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा आपको इनपुट नहीं दे पाऊँगा। बट डेफिनेटली देर इज चांसेस कि आपका जो प्लान है वो बैंक वाले चाहें या इंस्टीट्यूशन वाले चाहें तो वो देखें चोरी, लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है कि बहुत कम होता है, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। और इसमें एक चीज़ और भी मैं बोलूँगा कि जितना कभी भी आप लोग जैसे लोन के लिए भी जाइए या कस्टमर के लिए भी जाइए, हमेशा ट्राई कीजिए कि सीनियर लोगों से मिले। वहाँ पे नीचे के लेवल में आप 10 लोगों से मिलेंगे, उसकी बजाय आप एक सीनियर से मिल लेंगे, वो ज़्यादा काम करेगा। ये लोन में भी काम करेगा, ये हर जगह आपके लिए काम करेगा, इवन इन मार्केटिंग ऑल्सो यू ट्राई टू गेट एंट्री थ्रू सीनियर। अगर मैं JP में डायरेक्टर के थ्रू नहीं एंटर होता, डायरेक्टर को मैंने अप्रोच नहीं किया होता, तो मैं वहाँ पर कभी भी एंट्री नहीं ले पाता, या होता तो छोटा मोटा मैं कर पाता। सेम वे इवन एंट्री की भी मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा आपका क्या क्वेश्चन था? यस, देखिए मैंने भी MBA की कुछ बुक्स पढ़ी है और किया है। हालांकि रियल MBA तो जब आप MBA में जो बिजनेस की जो थ्योरीज है वो सब बताई जाती हैं,
आप लोग के साथ में MBA के साथ में आपको बहुत जरूरी है कि जैसे भी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये प्रैक्टिकल को रिलेट करना। तो MBA की जो थ्योरी है वही पूरी है, बिजनेस की थ्योरी है, बिजनेस की भी थ्योरी वही है, बस यही है कि उसको प्रैक्टिकल कैसे किया जाए। तो अगर आप MBA के साथ में उसको साथ साथ में किसी भी तरह से अगर आपको ये मौका मिल गया है कि आप उसको इंटर्नशिप बोलते हैं, इंटर्नशिप भी आप साथ में करते रहे और वो इंटर्नशिप रियल मैनर में करें, वो इसलिए नहीं करें कि बस केवल आपको अपना आपका एक मार्क्स पूरा करना है। अगर आप रियल मार्क में इंटर्नशिप करते जाएं तो ये MBA विल रियली हेल्प टू योर बिजनेस। मेरी डॉटर वहाँ पे हांगकांग में है और वहाँ पे इंजीनियरिंग के साथ में इंटर्नशिप कराते हैं, तो वो मैंने देखा कि उनकी जो इंटर्नशिप होती है वो इतनी रिग्रस होती है और इतना वो सीरियस होती है कि एक तो कि उसमें उनको जो और एक्सपीरियंस होता है जो इंटर्नशिप का वो उनको काफ़ी हेल्प करता है आगे के रियल लाइफ में जब वो एंट्री करते हैं। तो जब भी वो फिर एंटर करते हैं बिजनेस में या जॉब में तो वो हेड स्टार्ट चालू कर देते हैं, फिर उनको वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। ये इंटर्नशिप का बेनिफिट है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है। और जो इंटर्नशिप जो आप थ्योरी में पढ़ रहे हैं उसको जब आप इंटर्नशिप करें तो उसको रिलेट करें कि जो आपने पढ़ाया था उसको रिलेट करना। मैं आज से 15 साल पहले IIM में गया था 15 दिन के केवल कोर्स के लिए, 2002 या 2003 की बात है। तो उस 15 दिन के कोर्स में जो IIM में MBA की ही जो एक समरी मेरे को पढ़ाई गई थी सारे इनकी HR की, मैन्युफैक्चरिंग की, हर चीज़ की, लेकिन मैं ये देख रहा था कि वो इतनी वैल्यूबल थी। एक तो मैं वो जितनी भी मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही थी मैं उसको रिलेट कर पा रहा था और कई प्रॉब्लम्स का जो सलूशन मेरे को मिल नहीं रहा था उसको वो वहाँ पर मेरे को उसका सलूशन मिल गया। और जब मैंने वहाँ पर यहाँ पर आकर कंपनी में लागू किया, इम्प्लीमेंट किया वो सारी थ्योरियों को अपनी कंपनी में, तो मैं मेरी कंपनी एक नेक्स्ट लेवल में पहुँच गई विद इन ए ईयर। तो इट इज़ सो यूजफुल। सब बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इंटर्नशिप सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए ना करें, इंटर्नशिप करें कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर कुछ बेहतर बनाने के लिए। तो अब मैं सर रिक्वेस्ट एक लास्ट क्वेश्चन है सर। बहुत ही अच्छा आपका पूरा शेयरिंग सेशन था, बच्चों ने बहुत अच्छी जर्नी आपकी सुनी और डेफिनेटली बहुत कुछ लर्न भी किया। एक चैलेंज जो सर हम लोग फेस करते हैं, मतलब एवरी एंटरप्रेनर फेस करते होंगे कि कैसे वो अपने HR को डील करें, मतलब ग्राउंड लेवल पर आप सभी से बात करते हैं, वर्कर्स हैं, सीनियर लोग भी हैं, तो मतलब कभी आपने ऐसा कुछ फेस किया या फिर आप कुछ ऐसा टिप देना चाहेंगे बच्चों को कि कैसे उनसे डील की जाए? देखिए सबसे पहली बात तो HR सबसे मेरे को लगता है कि इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। HR में जो मेन चीज़ RCI है, रिक्रूटमेंट इंडक्शन एंड अप्रेजल एंड टर्मिनेशन, ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये एंटरप्रेन्योर को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। चाहे कितना बड़ी आपकी कंपनी हो जाए ये आप रिक्रूटमेंट आपके पास में होना चाहिए, उनका प्रेजेंट, उनका टर्मिनेशन, ये कभी भी डेलीगेट मत कीजिए नीचे। दूसरा आपके कंपनी में HR की सारी जितनी प्रोसेसेस हैं दैट शुड बी वेल डिफाइंड और कोशिश कीजिए कि दैट शुड बी उसके सबके SOP आपके बने रहे। कंपनी में आपकी एक कहीं ना कहीं ग्रीवेंसेस हैंडलिंग होनी चाहिए, या तो आप खुद करें ग्रीवेंसेस हैंडलिंग या आपका कोई नीचे कोई स्टाफ हो जो कि ग्रीवेंसेस हैंडलिंग करे। लेकिन कोई भी स्टाफ उनको ये मालूम होना चाहिए कि कल को कोई भी अगर माय ओनर
आई एम एसेसेबल टू माई ओनर, अगर उसको ये कंपनी में ये रहेगा कि आई एम एसेसेबल टू ओनर, तो जो आपका स्टाफ भी ग्रीवेंसेस हैंडलिंग कर रहा है वो भी हमेशा उसको कोई भी ग्रीवेंस आएगी तो हमेशा उसको वो सीरियसली लेगा। और कंपनी में अभी जो ये पहले मैं नहीं करता था, अभी मैंने चालू किया है। एचआर में बहुत जरूरी एक ये है कि सबके केआरए और केपीआई, की रिजल्ट एरिया एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, दैट शुड बी वेल डिफाइंड। अगर आपने उनके केआरए केपीआई वेल डिफाइंड कर दिए हैं तो उनको मालूम रहेगा कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसके बाद में वो केआरए केपीआई के बेस पे उनकी एक टाइम टू टाइम उनका अप्रेजल जरूरी है कि क्वार्टरली हो, मंथली हो या ईयर हाफ ईयरली हो, जितना आप एटलीस्ट मेरे ख्याल से सीनियर स्टाफ का क्वार्टरली करें और जूनियर स्टाफ का मंथली करें। अगर आपने ये सिस्टम पूरा लगा दिया कंपनी में तो कभी भी किसी की परफॉर्मेंस हमेशा आपकी मेंटेन रहेगी। आई थिंक दिस इज माय इनपुट फॉर दैट। थैंक यू सर। सर आई रियली थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। थ्योरी बच्चों ने बहुत पढ़ी है, हम लोग बहुत पढ़ाते भी हैं, और आज लेकिन आपको सुनकर जो चीज़ें उन्होंने सीखी होंगी वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उससे कहीं बेहतर हैं जो आप क्लासेस में पढ़ते हैं। तो विद दैट मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, और थैंक यू वेरी मच। मैं एक लास्ट में ये जो लास्ट वर्ड होता है मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तीन चार चीजें कि दो मिनट कि जब भी आप एंटरप्रेन्योर बने तो आप ये ओनर बनिएगा, और ओनर रात दिन एक ही सोचता है कि मैं ग्रो कैसे करूं, हाउ कैन आई ग्रो माई प्रॉफिट, हाउ कैन आई ग्रो माई बिजनेस। जिस दिन जब तक आप ग्रोथ सोचते रहेंगे तब तक बिजनेस ग्रोथ करेगा, जिस दिन आप ग्रोथ बंद कर देंगे सोचना उस दिन कंपनी की ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरा, देर इज नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा और हर स्टेज में करना पड़ेगा, देर इज नो शॉर्टकट। और लास्ट में सीखने के लिए मिला। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट चेयरमैन सर मिस्टर सुनील सिन्हानी सर टू प्लीज कम एंड गिव टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टू आवर गेस्ट। यहां क्लिक करना ना कर दूं इधर से नहीं सर पास लेना बेटा ठीक है। एक जो आप लोगों ने बोला मेरे को कि एमबीए करना चाहिए कि नहीं, मैं तो ये बोलूंगा कि आप ये एमबीए जो इन्वेस्टमेंट और ये इन्वेस्टमेंट केवल एमबीए करके ही नहीं, आगे भी आपको ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप जब तक अपने में सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, हर साल आपको मान के चलिए कि आपको अपने ऊपर में इन्वेस्टमेंट करना है, और ये इन्वेस्टमेंट यही है चाहे एमबीए करें या बाद में कोई कोर्स करें, दैट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट, इससे सस्ता इन्वेस्टमेंट कोई नहीं, और इससे ज़्यादा रिकवरी किसी में नहीं आएगी। तो कीप ऑन इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ। Thank you, sir. Thank you, sir. Students, I would request you all to go for your lunch. Or आधे घंटे बाद आपकी क्लासेस शेड्यूल्ड शुरू होंगी, जो भी आपके शेड्यूल टाइम टेबल में है।